राजस्थान का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बताने के लिए भला आम लोग से बेहतर और कौन हो सकते हैं, इस वक्त मैं राजस्थान परिवहन निगम की एक बस में मौजूद हूँ। कई सारे लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, आसपास दिखाई दे रहे हैं, हम सबसे बात करेंगे। आपको बता दें कि जयपुर की लोकसभा सीट में कांग्रेस से प्रताप सिंह मैदान में है, वहीं उनको बराबर की टक्कर दे रही है भाजपा की उम्मीदवार मंजू शर्मा। क्या कुछ आम लोग मानते हैं यहाँ के बारे में, कैसा काम रहा है इतने सालों में और क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद है जयपुर में, ये खुद आम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ, बहुत सुंदर लग रही है पहली बात तो आप। मुकेशी। क्या लगता है, महिला उम्मीदवार है इस बार, तो आप भी महिला हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता है या महिला आपको ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी जैसा वो बोल रही है? देखिए आप डरवा रही हैं। अच्छा, क्या चाहिए महिला को अपने जयपुर में? नहीं, कुछ नहीं। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? कैलाश। आपकी घर वाली है जी? क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर हुआ है काम और क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? फिलहाल तो बढ़िया ही हो रहा है। बढ़िया ही हो रहा है जो हो रहा है अभी तो। क्या क्या बढ़िया काम हुआ है अगर आपको गिनाना हो तो? वैसे तो हम जयपुर में रहते हैं, दिखने में तो बढ़िया ही दिख रहा है। वैसे बढ़िया है, गांव में रहते हो, कभी कभी जयपुर आना होता है तो वैसे तो बढ़िया ही दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है अभी तो। जी। और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? सुरेश कुमार सोनी। सुरेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? निवाई तहसील। जयपुर में अक्सर आना होता है? बहुत कम। तो क्या काम हुए हैं यहाँ पर और क्या नहीं हुए हैं, क्या होने चाहिए? सब होते हैं यहाँ पे, काम अच्छे होते हैं। क्या काम अच्छा लगा है यहाँ पर? सब सभी काम अच्छे हैं इनके। सभी काम में क्या होते हैं, समझाइए तो सही। क्या समझे? सड़कें हैं वो बेहतर हैं क्या? स्कूल यहाँ पर कैसे हैं? सब बेहतर है, सड़कें बेहतर है और मेट्रो का काम है बहुत अच्छा है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रताप सिंह हैं, भाजपा की उम्मीदवार महिला उम्मीदवार मंजू शर्मा हैं, क्या लगता है किसके ज्यादा जीतने के चांसेस हैं? बीजेपी का है। बीजेपी के है, महिला जो उम्मीदवार उतारी है वो ठीक किया जी। आप पूरे राजस्थानी परिवेश में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? कन्हैयालाल जी पांचाल। आपको क्या लगता है राजस्थान में, आपके जयपुर में क्या काम हुए हैं और क्या होने चाहिए? जयपुर में विकास कार्य तो हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन अब शासन काल के हिसाब से चलता है, मतलब शासन जैसे बीजेपी गवर्नमेंट बनी, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो अब इसमें अब बीजेपी वाले ने जो विकास कार्यों का लक्ष्य रखा है उस पर कार्रवाई करेंगे, वो कुछ विकास कार्य भी होंगे। और आप जयपुर के लोगों की क्या जरूरत है, यहाँ पानी क्या आता है? हमारे बिसलपुर डैम से पानी आता है, वहाँ ठीक आता पानी। और साफ सफाई कैसी है? अब सफाई भी तो है इसी, लेकिन इतनी शानदार सफाई नहीं, स्वच्छता पे कम है, मतलब साफ सफाई कमजोर है। वैसे हम मैं रहने वाला टोंक से हूँ मैं, मतलब कुछ और जरा बात करते हैं। अम्मा आपका क्या नाम हुआ? शमशाद बेगम। शमशाद जी, क्या नाम हुआ आपका? नहीं, क्या कहाँ से हुई आप? जयपुर से। अच्छा, जयपुर से आप जी। महिला उम्मीदवार भी है इस बार, महिला होने के तौर पर आपको क्या लगता है कि यहाँ की क्या जरूरतें हैं और क्या होना चाहिए? तो सब कुछ है बेटा, घर से बेघर कर दिया सरकार ने, क्या किया, वोट भी डाला सब किया, लेकिन हम तो घर से बेघर हो गए, हमारे मकान तोड़ दिए गए हैं, तो आज हम इसे धक्के खाते हैं, इधर उधर किराए से रहते हैं, इतनी गुंजाइश नहीं जो किराया दें। डाला बनाए ना जब मकान गया इनका पूरा, हाँ, लेकिन आज कमाई नहीं, एक बच्चा है कमाने वाला, अब ये बताओ हम क्या कर सकते हैं, हमारी परेशानी हम जानते हैं, घर मकान नहीं है, किराए से भटकती हूँ। तो क्या ये माने कि मुस्लिम वर्ग में नाराजगी है? नाराजगी क्या है, हमारी तकदीर की नाराजगी है बस, हमारा नसीब। सबके गए तो सारी कौम वालों के गए, उसमें सारे कौम वालों जी। तो ऐसे में अब आप क्या मानती हैं, यहाँ पे कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, अब भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है, चुनाव भी आ गए हैं, एक तरफ महिला प्रत्याशी है भाजपा की तरफ से, एक तरफ प्रताप सिंह जी है, क्या लगता है किसका पलड़ा जो है वो भारी है? जो पहले थे ना अशोक गहलोत जी, उनका था, अब नहीं है इतना कुछ भी,
नहीं है बेटा अशोक गहलोत था, अब नहीं है कुछ भी इतना जितना अशोक गहलोत के टाइम पे था ना, अब कुछ भी ऐसा नहीं है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम योगी राज है। योगी जी, क्या लगता है आपके जयपुर में क्या काम हो रहे हैं या हुए हैं अभी तक? नहीं, काम तो गहलोत सरकार ने जो किए थे वो ही चल रहे हैं मैडम, अभी तो नए काम तो क्या हुआ है। बेरोजगारी इतनी है और महंगाई देखो कितनी है। मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल सस्ता करेंगे, उस पर कुछ किया नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा जितना सा वो उन्होंने सस्ता किया है। और जो क्या नाम से राशन है, जो राशन भी पहले तो किट वगैरह मिलती थी वो भी बंद हो गई। आप लोगों को राशन नहीं मिल रहा, महिलाओं को राशन की वजह मोदी के सरकार में नहीं मिल रहा, अशोक से नहीं मिल रहा, जब से ही मोदी जी आए उनसे नहीं मिल रहा। बाकी अशोक गहलोत था जब तो मिलता था सब गरीबों को। क्या मिलता था राशन में? तेल, दाल, चावल, हल्दी, मिर्ची सब मिलता था, पूरा गृहस्थी का सामान। आपको भी राशन नहीं मिल रहा है जैसा वो बता रही है, पहले मिलता था क्या? यहाँ पे नहीं रहती मैं यहाँ पे नहीं रहती। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है जी। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जरा बात करते हैं। आप यहीं के हैं? नहीं मैम, टोंक। आप कहाँ के? चाकसू। आपका क्या नाम? सीताराम चौधरी। आप जयपुर के ही हैं? हाँ, जयपुर ग्रामीण से हैं, जयपुर ग्रामीण। क्या काम जयपुर में इतने सालों में हुए हैं? हाँ मैडम, किसी का कुछ पता ही नहीं है, अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं क्या परिणाम है, सभी बराबर। अच्छा, आपका क्या लगता है कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं मंजू जी, वो ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन दे रही हैं प्रताप जी को, या कैसा लग रहा है कि अभी क्या माहौल है? अनुमान तो यही लग रहा है भाजपा का ही है। हाँ चल रही है, देखते हैं आगे क्या मिलता है परिणाम, बल्कि अनुमान नित तो यही लग रहा है। इसी के साथ में जयपुर में कौन कौन से वो काम है जो अभी दोनों सरकारों ने नहीं किए और होने चाहिए थे? मैडम काम तो सब सरकारें कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी है, बीजेपी भी कर रही है काम। रोजगार है यहाँ पर या लोगों को बड़े शहर जाना पड़ता है काम के लिए? नहीं, सब रोजगारी हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कमा रहे हैं, अच्छे हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। जी, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रीतम कुमार। क्या करते हैं आप? हम बिहार से हैं। आप बिहार से हैं तो जयपुर रह रहे हैं? हाँ। जयपुर में काम मिल रहा है? हाँ। क्या काम करते हैं? काम मिलता है वो पलेदारी करते हैं। तो देखिए, तमाम लोगों से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये आम लोगों की तस्वीर आप देख रहे हैं, राजस्थान परिवहन निगम की, जो राजस्थान परिवहन की जो बस होती है उसमें हम लोग मौजूद हैं और रैंडमली आम लोगों से हमने बातचीत की है। हाँ जी, आप भी बताइए। कि जो पेयजल है ना, पेयजल का रास्ता का संकट जब जाके पूरा होगा, जब नदी जुड़ेगी ना, जब इस गवर्नमेंट से हमारा यही है कि नदी से नदी जुड़ना चाहिए जल्दी से। हाँ, जल्दी से जल्दी। यानी जो राजस्थान का जल स्तर है वो नीचे जा रहा है कई इलाकों का, तो वो जल स्तर बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इसलिए इस गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट बीजेपी सरकार है अभी, और इनके वजह से फैसला भी हो चुका है एमपी गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के, तो उसमें विशेष ध्यान देके जल्दी से जल्दी कार्य पूरा हो, तो इससे राजस्थान की जल्दी जल्दी। आप भी बताइए और क्या होना चाहिए? पेयजल का जब जाके संकट मिटेगा राजस्थान से, अन्यथा संकट बढ़ेगा अभी राजस्थान का, जयपुर का नहीं, जयपुर के आसपास के एरिया पूरे। जी जी, देखिए लगातार लोग अपनी जो भावनाएं हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से एक रिकमेंडेशन, अगर एक सुझाव माने तो सुझाव देते हुए राजस्थान का शख्स बता रहा है कि जो पेयजल है वो बेहतर हो सकता है। राजस्थान का अगर बात करें तो पानी का जो लेवल है वो लगातार डाउन जा रहा है, उस क्षेत्र में काम सरकार द्वारा किया जा रहा है उसमें और तेजी की जानी चाहिए, महिलाओं के लिए और काम होने चाहिए। और मिली जुली राय हमें आम लोगों की नजर आ रही है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही पार्टियों को लेकर पसंद लोगों के बीच में मिली जुली नजर आ रही है और कोई एकमत राय नजर नहीं आई है अब तक। यानी कि दोनों ही पार्टियों को पसंद करने वाले लोग बराबरी के यहां पर नजर आए हैं, प्रतिनिधित्व करते हुए, अपनी बात रखते हुए। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज जयपुर।